और गाइस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए। अपना इनविटेशन कार्ड मैंने ले लिया भाई, बार बार यही दिखा रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है भाई मेरे लिए। पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा, क्या बात है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सबका मेरे व्लॉग चैनल पर। तो अभी मैं जा रहा हूँ शेव करवाने के लिए, शेव करवा के फिर नहा के निकलूंगा मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए। और अभी घर पे चल रहा है सिब्बू का शूट, तो उसके लिए थोड़ा सा खाना पैक करवा के लेके जाऊंगा क्योंकि जो कास्ट आई है उन सबके लिए खाना लेके जाना जरूरी है क्योंकि लंच में कुछ तो खिलाना पड़ेगा ना भाई। वैसे तो लंच डिनर ब्रेकफास्ट जब भी शूट होता है तो करवाते ही हम। तो चलो अभी शेव करवाना है, फिर उसके बाद नहाना है, तैयार होना है, फिर निकलना है मोदी जी से मिलने के लिए। सिब्बू बाय, मम्मी बाय, अंशी बाय। पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? मोदी से, मोदी जी से मिलने। पता है, मैंने व्लॉग देखा था। ये रहा इनविटेशन। कल से 10 बार दिखा चुका है मुझे तो। ये तो 100 बार दिखाने वाली बात है। मेरी भी नमस्ते बोल दिया। ठीक है, ये ना मेरे को ताने मारता रहता था भाई, कहाँ बिजी है मोदी से मिलने जा रहा है क्या? देख लो भाई, हाँ भाई ले, मोदी जी से मिलने जा रहा हूँ। तो भाई अभी मैं निकल रहा हूँ प्रगति मैदान के लिए, ये साथ में इनविटेशन कार्ड भी ले लिया है। एक्सयूवी लेके जाऊंगा और साथ में किसी को नहीं लेके जा रहा क्योंकि सिर्फ जिसका इनवाइट है वही जा सकता है। अब मैं जैसे विनय को ले जाऊं साथ में तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि विनय का इनविटेशन नहीं है, तो सिर्फ जिसका इनविटेशन है वही जा सकता है। पहले सोचा था विनय को लेके जाऊंगा पर फिर वो ये यार उसको बाहर पार्किंग में वेट करना पड़ेगा, इतना टाइम उसका मतलब बोरिंग जाएगा, तो इसलिए मैंने यही सोचा कि कोई नहीं, अकेला ही चले जाता हूँ, पार्किंग में भी जाके क्या करेगा वो मेरे साथ। तो गाइज ऑल सेट, अभी मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। अभी यहाँ से प्रगति मैदान का मैप डालूंगा गाड़ी के अंदर और गाइज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए। अपना इनविटेशन कार्ड मैंने ले लिया भाई, बार बार यही दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है भाई मेरे लिए। अभी निकलते हैं यार, पता नहीं भाई कब तक प्रगति मैदान पहुंचूंगा, लेकिन जो भी होगा भाई पूरा इवेंट मैं आपको दिखाऊंगा और कैसी रहेगी मोदी जी से मेरी मुलाकात, कैसी रहेगी मेरी मीटिंग, वो भी आप देखना और व्लॉग में बने रहना गाइज। तो गाइज आप ये देख सकते हो प्रगति मैदान में तो भाई पूरा इवेंट है ही, उससे पहले जो पार्किंग होगी वो मेरे को लगानी पड़ेगी नेशनल स्टेडियम में, वहां से फिर इनकी शटल आएगी, शटल हमें वहां से पिक करेगी और 5 बजे से पहले पहले हमें पहुंचना है। और देखो लिखा हुआ है खुद की गाड़ी है अगर तो Basement 1 की पार्किंग में पार्क करके गाड़ी को और एंट्री प्लाजा पे की दे देना। ये भाई देख लो नेशनल स्टेडियम में पार्किंग लोकेशन, अब यहाँ पे जाके गाड़ी पार्क करते हैं। आगे भाई फिर सुविधा देगी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखते हैं भाई क्या रहेगा आज हमारा मीटिंग में मोदी जी के साथ। बस भाई पहुंचने वाले हैं, 14 मिनट और लगेंगी। और ये सामने का रोड देखो भाई, ये है चारों तरफ मेरे एम्बेसी ही एम्बेसी, ये जापान, अफगानिस्तान और हर कंट्री की एम्बेसी आसपास, ये सारा मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योरिटी वाला एरिया है। ये देखो सूडान, रशिया। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, बहुत ज्यादा, बता नहीं सकता बस कितना एक्साइटेड हूँ। अब वो तो चल के पता लगेगा भाई क्या रहेगा। ये देखो ये आ गई फ्रांस की एम्बेसी भाई, ये सामने देख रहे हो ये क्या है पता नहीं भाई, मुझे भी नहीं पता क्या है, पता नहीं भाई ये कौन सा भवन है, कोई सरकारी बड़ा दफ्तर लग रहा है मुझे। देखो ये जो इवेंट है जिसमें हमें जाना है उसका बोर्ड लगा हुआ है भाई सामने, अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। भाई ये देखो ये इस साइड इंडिया गेट आ गया है। आज तो भाई इतनी सारी चीजें दिखा दूंगा आपको, लो इंडिया गेट देख लो एक बार और बिल्कुल सामने से, ये ऐसा दिखता भाई इंडिया गेट। और ये सामने है भाई कुछ, ये पता नहीं क्या है। देखो भाई आधी चीजें तो मुझे भी नहीं पता, तो बस मैं दिखाता जा रहा हूँ, जिसको पता हो भाई देख लेना और जिसको नहीं पता वो कमेंट कर देना ताकि मुझे भी पता लग जाए। तो भाई बस पहुंच ही गए, ये समझो 5 मिनट और लगेंगी। सामने आप देख सकते हो मोदी जी की फोटो लगी हुई है, इसी इवेंट में जाना है। आप इनकी ये शटल बस में बैठ गया, अभी ये जब भर जाएगी तो चलेंगे फिर। हर जगह भाई पुलिस ही पुलिस, देख सकते हो कितनी टाइट सिक्योरिटी, नरी पुलिस है भाई नरी, कदम कदम पे डंक डंक पे पुलिस है। आहा ओ ढोल बज रहा भाई मस्त,
ऐसे है भाई स्वागत, ऐसे करा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारा स्वागत। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं, लेकिन एक तो हो गई दिक्कत, छोटी सी दिक्कत ये हो गई कि जो गाड़ी की है ना ये अलाउड नहीं है अंदर, तो ये इधर पीछे टेंट लगा है मेरे, इसमें जमा करानी पड़ेगी भाई। तो भी चाबी जमा करा के फिर चलते अंदर। सामने देखो कितने सारे चेकिंग के पॉइंट्स हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक फुल हाई सिक्योरिटी चेकिंग चल रही है भाई। भाई दोबारा से थोड़ी छोटी सी दिक्कत होगी, की तो जमा करा दी, अभी ये एयरपोर्ट्स थे ये जमा कराने भी पड़ेंगे, तो अभी ये दोबारा जमा कराने जा रहा हूँ, इसको जमा करा के फिर दोबारा एंटर लेने जाऊँगा भाई। अब तो एयरपोर्ट्स भी जमा करा दिया, अब ना रुकवा ले मेरे को, अब बस मेरे पास बचा चश्मा। फिर से चल रहे हैं भाई यहाँ से लेके वहाँ तक, सिक्योरिटी एरिया फुल हाई सिक्योरिटी। जैमर लगे हैं गाड़ी पे, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है। रेंज रोवर है प्रिया पटेल, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री तथा राज्य प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र है ये। क्या नाम दिया, भारत मंडप। और इसी के साथ इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का नामकरण हो गया है भारत मंडप, यही है नाम इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का, इसी नाम से जाना जाएगा ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भारत मंडप। हमारी लोक नृत्यों की छटा इस पल को और खूबसूरती प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना अनंत लोक नृत्य श्रद्धे माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपका अभिनंदन करते हैं, साथ ही यहाँ उपस्थित सम्मानित केंद्रीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, उद्योग जगत के सभी विशिष्ट शख्सियतों, माइंस इंडस्ट्री के सभी आमंत्रित अतिथियों, विभिन्न इंडस्ट्री एसोसिएशंस, सेक्टोरल एसोसिएशंस, मिशंस के ट्रेड काउंसिल, देश मेरा परेशान वाला जी, चांद पे पहुंच
भाई ये रखा है हेडफोन और इसके साथ ये मशीन ताकि इसका ट्रांसलेशन सुन सके इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मैंने ऐसे टांगा सबने देखम देख मेरा आइडिया यूज़ करके सबने टांग दिया कॉपी कैट सब के सब। एक ऐसे व्यक्ति जिसने भारत की सोच बदली, भारत की मानसिकता बदली। सभी सम्मान्य अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि माननीय ये दिव्य और भव्य भारत मंडपम उसे देख करके हर भारतीय खुशी से भर रहा है, आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। पहली तीन इकोनॉमिस्ट में एक नाम भारत का होगा। क्या बात है। इवेंट फाइनली खत्म हो गया है। ये देखो भाई एनएसजी कमांडो की टीम भरी पड़ी है पूरी, एनएसजी कमांडो की गाड़ी। वाओ ये सारे एनएसजी कमांडो सिक्योरिटी। ये देखो भाई यहाँ पे हो रहा है लाइट एंड साउंड शो। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये जाके दिखाऊं आप लोगों को, क्योंकि बहुत थक गया हूँ। अभी जा रहा हूँ मैं घर पे भाई, अब घर पे चल के मिलते हैं गाइस डायरेक्ट। तो गाइस फाइनली घर आ गया हूं और भाई बहुत बढ़िया रहा इवेंट। और गाइस ये मेरे लिए भाई बहुत गर्व की बात है और मेरी फैमिली के लिए भी भाई बहुत गर्व की बात है कि हमारे गांव से आज तक या हमारे गांव देहात से आज तक कोई भी इतने बड़े मुकाम पे, इतने बड़े स्टेज पे कभी नहीं जा पाया। ना किसी ने सोचा था कि भाई कोई जा पाएगा, लेकिन मैं क्या बताऊं, बस अब आप बोलोगे भाई भगवान की दया समझो या भाई भगवान का हाथ समझो सर पे, मतलब मैं इतने बड़े स्टेज तक पहुंच गया। ये मैं अपने मुंह से खुद की तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाई ये सच में बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है। हमारे गांव देहात, आसपास के गांव, आसपास के शहर, कोई इतने बड़े लेवल तक नहीं पहुँच पाया भाई। बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ी बात थी कि नरेंद्र मोदी जी के इवेंट में गया जी और खुद से उन्होंने इनवाइट करा था भाई। गाइस बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, जैसे मैंने आपको दिखाया न्यूज़ रिपोर्टर सुधीर चौधरी, आमिर खान और अंबानी का लड़का आया हुआ था। बहुत बड़े बड़े भाई नेता, पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे और उन्हें बड़े बड़े लोगों में तुम्हारा भाई भी गया हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि मैं भी बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ। क्या आपको क्या लगता है यार, मजाक कर रहा हूँ यार, कुछ भी बोल देता हूँ मैं भाई। आप लोगों का प्यार है बस जो यहाँ तक पहुँचा। फर्स्ट टाइम भाई मोदी जी का इवेंट अटेंड करा है, ऐसे पर्सनली तो इस बार मिल नहीं पाया क्योंकि यार बहुत ज़्यादा क्राउड था, आपने देखा बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर रखा था। पर ये है, हाँ मैं बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मिला। अब इतनी भीड़ में मैंने फ़ोटो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि एक तो रीज़न ये है कि अकेला था मैं, अब साथ में कोई था नहीं, अब किसको बोल के भाई फ़ोटो खिंचवाऊँ वीडियो बनवाऊँ, तो ये वाली दिक्कत थी। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अभी तो चलो इवेंट है, इतने सारे लोग हैं। फिर मैंने काफ़ी सारे एक्टर्स का, बिजनेसमैन्स का नंबर वगैरह ले लिया, जिनसे जो मुझे भी जानते थे और जिनको मैं भी जानता था, तो उनसे इन फ्यूचर कभी मुलाकात होगी होपफुली। और गाइज आज आरआरआर का सेगमेंट नहीं आ पाएगा क्योंकि भाई मेरे को हो रही है बहुत ज़्यादा थकान, क्योंकि भाई बहुत रश था, बहुत क्राउड था, इसलिए भाई मैं बहुत थक गया और आज बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि बस सो जाऊं। अब मैं लेटा हूं आके आते ही सोने का मन हो रहा है। और भाई मैंने बहुत सारे वो देखे यार, इतनी सिक्योरिटी मतलब इतनी सिक्योरिटी मैंने आज तक नहीं देखी किसी इवेंट में जितनी ये थी। और भाई बनती भी है यार, मोदी जी आ रहे हैं भाई, मोदी जी का इवेंट है तो सिक्योरिटी तो बनती है भाई, प्रधानमंत्री इंडिया के।
तो गाइज ये था भाई अपना आज का मोदी जी के साथ का इवेंट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। चलो गाइज कल मिलते हैं 11 बजे नए व्लॉग के साथ। जय श्री राम।